हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, और क्वेश्चन है आपका ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई अपॉन टू टू पाई अपॉन टू और वन अपॉन ई पावर कितना साइन एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। अब लिमिट आपकी माइनस ए टू ए जा रही है, तो आपका क्या क्या फॉर्मूला लग सकता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। तो हमारे पास इसके दो आंसर रहेंगे, या तो टू टाइम ऑफ कितना जीरो टू ए f of x with respect to किसके x के, और एक आंसर आपका जीरो। अब ये होता कब है, जब आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, f of minus x equal to f of x, मतलब आपका फंक्शन अगर इवन हुआ तो टू टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए f of x with respect to किसके x के। और जीरो कब होता है, जब आपका फंक्शन कैसा हो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब f of minus x equal to किसके बराबर, f of minus f of x, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन जो वो ऑड नहीं है ना इवन है, तो उसको मुझे बायसिंग प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इसके एक्स की। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन डाल रहा हूँ। आल्सो यूजिंग प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा आपके पास, आई इक्वल टू माइनस पाई अपॉन टू कितना है, पाई अपॉन टू वन अपॉन e रेस टू पावर। अब हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट माइनस पाई अपॉन टू, अपर लिमिट कितनी है पाई अपॉन टू। अब मैंने x की जगह क्या पुट करना है, a प्लस b माइनस x, तो a कितना है माइनस पाई अपॉन टू और प्लस पाई अपॉन टू माइनस का कितना x, तो हमारे पास कितना बना माइनस x। तो इसका मतलब हम पुट करेंगे इसकी जगह ये वैल्यू, तो हमारे पास कितना बना साइन ऑफ x की जगह कितना आया माइनस x प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू किसके x की। और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू बराबर रहेगा माइनस साइन थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलिए अरेंज करते हैं इसको, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई अपॉन टू पाई अपॉन टू और वन अपॉन साइन e रेस टू पावर कितना बनेगा माइनस साइन x प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू किसके x की, ठीक है, क्योंकि ये e पावर साइन ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस साइन x ड्यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाते हैं इसको, माइनस पाई अपॉन टू टू पाई अपॉन टू और वन अपॉन e पावर कितना साइन x प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू, e पावर साइन x का एलसीएम लीजिए, ये चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा e पावर साइन x प्लस वन, e पावर साइन x और प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू किसकी x की। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, ऐड करना इक्वेशन वन और टू को, एडिंग वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू दोनों को ऐड करिए, i प्लस i कितना बन जाएगा 2i, लिमिट दोनों की सेम है माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू, और अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करिए किसको, न्यूमरेटर को, वन प्लस ई पावर कितना साइन एक्स अपॉन में वन प्लस ई पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये और ये कैंसल। तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई अपॉन टू पाई अपॉन टू और वन विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के। तो वन की इंटीग्रेशन करते हैं, तो वन की इंटीग्रेशन कितनी आई एक्स, तो हमारे पास बना 2i equal to x और लिमिट कितनी है माइनस पाई अपॉन टू पाई अपॉन टू। अब लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है पाई अपॉन टू, माइनस और माइनस प्लस पाई अपॉन टू प्लस पाई अपॉन टू कितना बन जाएगा पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आई किसकी, 2i की, तो i की वैल्यू कितनी बनी पाई अपॉन। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। थैंक यू।